आज विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में ही हंगामा हो गया। इस हंगामा की वजह से नरसिंह घोटाला मामले की जांच करवाने की मांग की थी। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल का कहना था कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मांग पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इस पर अभी कोई भी चर्चा करना सही नहीं होगा। इतना सुनते ही विपक्षी भड़क पड़े और देखते ही देखते सदन में हंगामा हो गया। हंगामा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पहले सदन को एक तक स्थगित किया और इसके बाद कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि नियम प्रक्रिया के तहत मान्य परंपरा के अंतर्गत चर्चा करने को तैयार है, लेकिन उत्तेजना में कोई बात नहीं जाएगी। बड़ा मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का स्कूल का है, हम चाहते थे कि पूरे इस पे चर्चा हो और निश्चित तौर से सरकार कहीं आए बाए इस मुद्दे को रोकना चाहती थी, चर्चा नहीं कर, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ ला, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ कि हम कभी सदन को ख़त्म करना नहीं चाहते, हम सदन पूरा चलाना चाहते, पूरे 14 बैठकें हो पूरी, ये हम चाहते हैं, लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं विपक्ष के हंगामे के, तो हम बीच का रास्ता चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नियम में कराए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। इस बात पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी ने एक चर्चा का माहौल बनाया है, कल व्यवस्था देंगे, कल चर्चा का उन्होंने प्रश्नकाल के बाद चर्चा का है, सभी विधायक हमारे सब ये तैयारी है और नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेके जो बीजेपी कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कागज देखे, प्रमाण देखे, किस वर्ष में किस समय किसने परमिशन दी, ये स्पष्ट है। अब यह इन्होंने हाईकोर्ट में जो जानकारियां दी है, क्या वो सच है कि कल यहाँ देंगे वो सच है, तो ये कल पता चलेगा, कल इस बारे में बात होगी। ये चाहता हूँ कि ये युवाओं का मामला है, उनके साथ भविष्य में खिलवाड़ नहीं हो, उनके नाम से पैसे नहीं लूटे जाए। हम ये चाहते हैं कांग्रेस दल के विधायक की मजबूती के साथ कि आप सबके हर युवा को न्याय मिले, उन गरीब बच्चों के साथ भविष्य में परेशानी ना हो, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है। देखिए विषय कोर्ट में अलग विषय है, हम सरकार से कोर्ट में जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से ये बात कर रहे हैं कि जो आपके अधीनस्थ थी चीज़ें, जो आपके वल्लभ भवन में थी, जो आपके काउंसिल में थी, उस पर बात क्या करना चाहिए, उस पर तो कोर्ट ने कहीं आपको कार्रवाई करने का बोला नहीं, ना सीबीआई उस पर कार्रवाई कर रही, सीबीआई कर रही अनसुटेबल कॉलेजों की, लेकिन जो यहाँ पर बैठे वल्लभ भवन में अधिकारी है, जो नर्सिंग काउंसिल गलत तरीके से अपने हाथ में लेके चला रहे थे, टेकओवर किया था, उनके बारे में सरकार क्यों छुपना चाहती है। और रही बात नियम की, बात मैं आपसे कहूँ, हर नियम में ये स्पष्ट रहता है कि अध्यक्ष चाहे तो चर्चा करा सकते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोर्ट के अंदर अगर होगा कोई सब जुडिशियल मैटर तो यहाँ पर सदन में चर्चा नहीं, साधारणता नहीं होती है, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन चूंकि अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में रहता है और जनता की बात है, हम किसी कोर्ट के किसी इसमें जांच को प्रभावित नहीं कर रहे, हम वही बात करना चाहते कि जो यहाँ पर घोटाले हुए, जिन जो लोग मेन लोग थे, बड़े मगरमच्छ थे, उनके नाम सामने आए, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता हो, क्या लूम क्या भगोड़ा बना दिया भाग गया हो, उनको सबको सामने लाए, जब तक इन पर जाँच नहीं होगी, जब तक इन पर नहीं होगा, इसका पर्दाफाश नहीं होगा, पर्दाफाश पूरा विधायक दल करना चाहता। धन्यवाद।